हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बारे में जाना, जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं। अब उसके हम अगली कड़ी की तरफ आते हैं। जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं वो किशोरावस्था की तरफ आते हैं कि किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था में के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था के कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। कि शैशवावस्था के बारे में हमने उसकी मूल बारे में बताया, कि बाल्यावस्था के बारे में बताया कि बालक किस किस तरह से वर्क करता है। अगर अभी तक इस वीडियो को जिसने भी नहीं देखा है, हमारे ए टू जेड क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। और हम आज इस टॉपिक पे शुरू करते हैं कि किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था, लैटिन किशोरावस्था को कहते हैं संक्रमण का अभिकाल, कहते हैं संक्रमण, ठीक, संक्रमण, संक्रमण का काल। ये संक्रमण का काल किस एज तक होता है? वो 12 से 19, कहीं कहीं 12 से 18 भी दिया रहेगा, वो भी सही है। 12 से 18 की समाप्ति, 19 का प्रारंभ, ये इस तरह से होता है। तो जो एज डिफाइन की गई है ये है, जो किशोरावस्था की एज डिफाइन की गई है वो है 12 से 18 तक, जो इसकी अवस्था है। इस अवस्था को संक्रमण काल भी कहते हैं। और इसको कहते हैं कि जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो बाल्यावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बीच का संधिकाल होता है। ये बाल्यावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था की संधिकाल कही जाती है। ये जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य जो एक पुल, जैसे इधर पानी हो, इधर पानी हो, इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए किसी न किसी ब्रिज का, नाव का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे एक जो पुल बना होता है वो किशोरावस्था होता है। इधर पानी होता है, इधर पानी होता है, तो ठीक बात वही है कि जो ये पानी इधर दिख रहा है ये बाल्यावस्था होती है, और जो पानी इधर दिख रहा है वो प्रौढ़ावस्था होती है, और जो पुल का कार्य कर रहा है वो किशोरावस्था होती है, ठीक। अब इसको बताते हैं कि किशोरावस्था लैटिन भाषा के सबसे बना है। लैटिन के किस भाषा से? एडलोसियर, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के एडलोसियर, ये लैटिन भाषा के एडलोसियर से मिलके बना है। एडलोसियर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका आशय क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, आशय। परिपक्वता की ओर बढ़ना मतलब जब बालक शैशवावस्था से अगले स्टेप की तरफ जाता है, बाल्यावस्था, उसमें थोड़ा सा और मैच्योर होता है। शैशवावस्था से जब बाल्यावस्था में जाता है तो उसमें और मैच्योर होता है, और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो और भी मैच्योर हो जाता है, ठीक। वो मैच्योरिटी यही कहलाती है कि वो अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अब इसके बाद ये किशोरावस्था के बाद से वो प्रौढ़ावस्था की, जो मानव विकास की चौथी अवस्था कही जाएगी, उसकी तरफ बढ़ता है। तो ये इसी कड़ी, इसी रूप में ये जाना जाता है कि किशोरावस्था को लैटिन भाषा के एडलोसियर जो शब्द है उससे बना है। एडलोसियर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाए, एडलोसियर पूछ लेगा, चाहे ये पूछ लेगा, चाहे किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो किशोरावस्था को संक्रमण का काल भी कहा जाता है एक अन्य नाम से, तो इसको ये भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच एक पुल का कार्य कौन करता है, तो उसको कहा जाता है किशोरावस्था। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके हम, कहा जाता है कि इस किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक जो विकास होता है ये बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे लिया जाता है कि आप देखे होंगे कि जिस तरह से कार्य हो रहे थे अभी तक बाल्यावस्था में, उस तरह के कार्य अभी ये इसमें नहीं होंगे। इसमें जो कार्य होंगे और तेजी के साथ होंगे। इसमें तो कहा, इसीलिए तो कहा जा रहा है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक।
अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था के किशोरावस्था के कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। ठीक, उसका पहला उपनाम है उपनाम। ये उपनाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपनाम क्या होते हैं? कहा जाता है कि उलझन की अवस्था किस अवस्था को कही जाती है? उलझन, उलझन की अवस्था। अब बताइए भाइयों कि उलझन की अवस्था किसे क्या होता है? आप खुद सोच रहे होंगे कि उलझन क्या होता है, किसी समस्या में फंस जाना, मतलब क्या करें क्या ना करें, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आती। क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि उस समय शारीरिक विकास बहुत तेज़ी के साथ, हमारा शरीर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मानसिक विकास बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब इसके आगे हम मान, जब हम क्या पढ़ाई करें क्या ना पढ़ाई करें, हमें भविष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, इस तरह की सारी उलझनें इसमें पाई जाती हैं किशोरावस्था में। ठीक, क्या करें इसको एक शब्द में जाने तो क्या करें और क्या न करें, क्या न करें, इस एक शब्द को देख के आप समझ लेंगे कि उलझन की अवस्था क्या होती है। दूसरा इसका उपनाम रखा जाता है दुखी अवस्था। अब दुखी अवस्था क्या होती है? दुखी ये हमेशा सोचता रहता है कि हमारे भविष्य में होगा क्या, हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, क्या मैं भविष्य के लिए सफल हो पाऊंगा, क्या मैं भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन पाऊंगा, क्या मैं जो सोच रहा हूं मैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, क्या मैं वो सारी चीज़ें बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। अगर एक पल के लिए तो उसको खुशी आती है, लेकिन दूसरे पल जब वो सोचता है कि शायद मैं ना बन पाऊँ तो क्या होगा, तो उसी पल से उसका मन क्या होता है? दुखी हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, इसको सोच के वो दुखी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको भविष्य का भय रहता है। एक लाइन में भविष्य का भय। तीसरा उपनाम है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में तो बहुत कुछ होता है। ठीक, इस अवस्था में आपसे कोई वस्तु छीन जाती है, कोई वस्तु आपका जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, वो आपसे छीन जाए तो आप क्या करते हैं? दुखी होते हैं। और दुखी होने के बाद उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे एक फूल होता है ना, एक फूल है तो किसी ने उस फूल को ले लिया, अब दूसरा आदमी क्या करता है? उस फूल को प्राप्त करने के लिए वो उससे झगड़ा कर लेता है, मार कर लेता है, मतलब अनेक प्रकार का वो कारण बनते हैं जो संवेग ही हैं कि वो उसको परिवर्तित करते। एक फूल के लिए कई लोग झगड़ा करते हैं। ठीक, जैसे किसी परिस्थितियों को लेके देखा जाता है कि आपका कोई सामान ले लिया ज़बरदस्ती किसी ने, तो आप तो सोचते हैं कि सामान मैं कैसे पाऊँ, तो अपनी युक्ति लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, आपके संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, संवेगों का प्रयोग कैसे करेंगे, बाबू छोटा रहेगा तो बाबू कह के लें, बड़ा है तो भैया कह के लें, पिताजी लिया तो पिताजी कह के, चाचा भैया बुआ कुछ भी कह के, जिस तरह से आपकी स्थिति बन सकती है उस तरह से लें। अगर आपसे कमज़ोर है तो मार करके ले लेंगे, अगर नहीं वो दे रहा है तो, मतलब इस तरह से संवेगों का परिवर्तन होता है और इस पर हम नियंत्रण करके अपना कार्य करते हैं। ठीक, अगला आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु क्या होता है? वसंत के समय में नहीं आता है वसंत ऋतु, ये किशोरावस्था वाला वसंत ऋतु है। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है? स्वप्न देखता है, खड़े खड़े बिना सोए हुए स्वप्न देखने लगता है। जैसे वो सोचता है काश मैं राजा होता, मेरी भी 4 रानियां होती, 8 रानियां होती, 100 रानियां होती, ऐसे ऐसे सोचता है। और लड़कियाँ क्या सोचती हैं? मेरा पति ऐसे हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, उसके नीचे का तो उनको समझ में नहीं आएगा, इससे ऊपर और भी कुछ हो वो समझ में आएगा, इस तरह के दिवा सपने, मैं यहाँ की रानी बनूँ, मेरे 10 नौकर चाकर हों, इस तरह के वो सपने देखते हैं। तो ये बसंत ऋतु है। ठीक, इसको कहा जाए एक ने तो दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न, इस तरह के ये, इसीलिए इसको वसंत ऋतु कहा जाता है। ठीक, अब स्वर्ण काल पे आते हैं, इसको स्वर्ण काल भी
कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कोई फिक्र होती ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं होती है क्या करें। चलो पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही हैं, भाई कमा रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करते चला जाता है, काम करते चला जाता है, उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती है, कोई फिक्र नहीं होती है। ठीक, ये इस तरह से इसके उपनाम होते हैं, आया समझ में? ये इसके सारे उपनाम होते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों की इसके लिए, किशोरावस्था के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो जिसमें सबसे पहले स्टेनले हाल, स्टेनले हाल का नाम सुने होंगे, उनकी परिभाषा से आप परिचित होंगे। तो स्टेनले हाल का एक परिभाषा है, स्टेनले हाल, सबसे पहले इनको बता दें, इन्होंने एक एडोलेसेंस नाम की बुक भी लिखी, बुक का नाम भी पूछा जाता है, एडोलेसेंस नाम की किताब लिखी है सन 1904 में। ठीक, ये जो पुस्तक आई है वो सन 1904 में आई है। तो ये कहा जाता है कि जो एडोलेसेंस नाम की किताब है इन्होंने ही लिखी है। ठीक, किताबों का भी नाम एक आता है। अब इनकी हम परिभाषाओं की बात करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि, अच्छा एक चीज़ और, इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक, इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अब इनकी परिभाषा पे आते हैं कि जो किशोरावस्था है, परिभाषा पाते हैं, जो किशोरावस्था है वो तनाव, तूफान, संघर्ष और दबाव की अवस्था है, दबाव की अवस्था है। मतलब ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में बहुत सारा दबाव रहता है, कुछ क्या करें क्या ना करें, ये तूफान मन में एक तरह से उथल पुथल मची होती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, संघर्ष, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है और उसके लिए वो प्रेशर का भी झेलता है। तो स्टेनले हाल कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और अक्सर एग्जाम में आया होगा। ठीक, अब अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं, किलपैट्रिक, किलपैट्रिक मतलब कांटी को ये पटक के अंदर कर देते हैं, जो जब कांटी को पटक के अंदर करते हैं, ऐसे कांटी किसी दीवार पर लेके मारते हैं तो थोड़ा सा कठोर लगता है ना, तो इसको कहते हैं ये जी किशोरावस्था को कठिन काल कहते हैं। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं जो किशोरावस्था है वो बहुत कठिन काल होता है। कठिन काल क्यों? क्योंकि इसमें समायोजन करना होता है, अपराधी प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको कठिन काल कहते हैं। ठीक, हम अगली परिभाषा की तरफ आते हैं, रास रसैया, रास महोदय, रास महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो ग्राफ बनता है ऐसे, तो शैशवावस्था में तेज, ठीक, बाल्या में कम, फिर किशोरा में तेज हो जाता है। बस इसीलिए कहते हैं कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती है वो कैरेक्टरिस्ट इसमें, क्योंकि इसमें मानसिक विकास तेजी से होता है, इसमें कम होता है, इसमें भी बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, इसमें भी बहुत तेजी, मतलब बहुत सारी समानताएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक, और वाटसन महोदय कहते हैं, वाटसन, इनका नाम सुने होंगे कि एक मुझे बालक दे दो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, कुछ भी बना दूंगा। तो इन्होंने भी एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि जीवन को इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, जीवन का
स्वर्ण काल, मतलब ये परिभाषा इन्होंने कहा है कि जीवन का सबसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिभाषा आपके लिए उपयोगी नहीं है। सारी भी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो किसी न किसी एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, अदर जो भी स्टेट के टेट होते हैं, अभी देखिए बिहार में नई वाली वैकेंसी आई है उसके लिए भी बहुत सारी इसमें उपयोगिता मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एडोलेसेंस के बारे में जान लिया कि क्या होता है कि किशोरावस्था। अब हम बात करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी टेक्निकल टीम मेहनत कर रही है, उसके बावजूद आप लोग ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं ना हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं क्या कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो को देखें, उसका लाभ उठाएँ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।